स्वागत है एशिया न्यूज इंडिया में, आपके साथ मैं पूनम। सेक्स वाले बयान को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती है। उस बयान पर आज मुजफ्फरपुर की सीजेएम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस पंकज कुमार लाल की अध्यक्षता में सुनवाई होगी। 7 नवंबर को नीतीश कुमार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जनसंख्या नियंत्रण पर बोल रहे थे। इस बयान को लेकर कई नेताओं और लोगों ने आपत्ति जताई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इसे लेकर नीतीश पर महिलाओं के अपमान का आरोप लगाया था। हालांकि अपने बयान को लेकर सीएम नीतीश ने अगले दिन यानी 8 नवंबर को माफ़ी भी मांगी थी। उसके बावजूद उनके खिलाफ मुजफ्फरपुर सीजेएम कोर्ट में वकील अनिल कुमार सिंह ने उनके खिलाफ परिवाद दायर किया गया। आज उसी मामले की पहली सुनवाई है। वकील के मुताबिक मामले में नीतीश को 3 साल की सजा हो सकती है। याचिकाकर्ता और वकील अनिल कुमार सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन के अंदर महिलाओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। उन्होंने ऐसा बयान दिया था जिसे सरेआम बोला नहीं जा सकता। याचिकाकर्ता के मुताबिक प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में उनकी बोली बोलने का इशारा और हावभाव हर जगह प्रसारित हुआ। इसी बात को लेकर मैंने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान सबसे पहला पॉइंट यही होगा कि मेरा केस मेंटेनेबल है या नहीं। इस पर आज कोर्ट में बहस होगी। मेरा मानना है कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसके तहत निश्चित रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय संविधान एमपी और एमएलए को प्रोटेक्ट करता है कि सदन के अंदर कोई टीका टिप्पणी करने पर प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाएगी। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।